आत्मा योजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। रामगढ़ पंचायत समिति स्तर का आत्मा योजना अंतर्गत 2 दिवसीय कृषि प्रशिक्षण राजीव गांधी सेवा केंद्र रामगढ़ में हुआ आयोजन। इसके अंतर्गत कृषि उप निदेशक हीरेंद्र सिंह द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जैविक खेती का उपयोग करने के बारे में और रबी की फसल की बुआई से पहले बीज का उपचार और खेत में जोत लगा तैयारी करने के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर राकेश यादव सहायक निदेशक कृषि पीडी आत्मा अलवर, सीपी जैन सहायक निदेशक स्टैटिक्स, अरविंद सिंह, राधेश्याम गुज्जर कृषि पर्यवेक्षक, धर्म सिंह गुज्जर सहित सभी पंचायत में कार्यरत कृषि पर्यवेक्षक मौजूद रहे। मैं उप निदेशक कृषि पदेन परियोजना निदेशक आत्मा हरेंद्र सिंह अलवर से आज रामगढ़ में जो 2 दिवसीय पंचायत समिति स्तर का प्रशिक्षण है इसमें उपस्थित हुआ हूँ। मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य किसानों को जैविक खेती के संबंध में लोगों को जानकारी देना कि भाई आप जो है अधिक से अधिक जो हमारा गोबर का कचरा है, खाद है, इसका उपयोग करें, खाद बनाएं। दूसरे हमारा जो ये फसलों से जो अवशिष्ट बचता है, जो घास फूस कचरा आदि होता है, आप इसको जलाएं नहीं, या तो पशु को चारे के काम लें या उसको काट करके खाद बनाए गड्ढों में अथवा उसको अन्य किसी दूसरे काम। कचरे को जलाना नहीं है, जलाने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है और उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हमारे क्षेत्र में प्रदूषण पर हवा पर होती है। और इसके अलावा भी हम किसान भाइयों को जो कृषि की नई उन्नत तकनीक है वो फसलों के बारे में है, उद्यानिकी के बारे में है, नवाचार की जो भी अपने तकनीक है उसके बारे में हम किसानों को पूरी जानकारी देते हैं ताकि किसान ये ज्ञान अर्जित करके अधिक से अधिक उत्पादन और आय प्राप्त कर सके।